देश की राजधानी दिल्ली में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली के नंद नगरी इलाके के सुंदर नगरी में बीजेपी नेता और आरटीआई कार्यकर्ता जुल्फिकार कुरैशी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने मस्जिद के सामने ही वारदात को अंजाम दिया। इसके साथ ही उनके बेटे पर भी चाकू से हमला किया, जिसके बाद गंभीर हालत में उनके बेटे को अस्पताल में ले जाया गया है। मेरा नाम मोहम्मद आकिल है। आकिल सर, क्या हुआ है, क्या जानकारी मिली थी यहाँ पर? मेरी जानकारी मिली है कि हमारे यहाँ जो एक आरटीआई एक्टिविस्ट थे जुल्फिकार कुरैशी साहब, उनकी किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी है। ये मुझे जानकारी मिली है। किस इलाके की घटना है ये? सुंदर नगरी इलाके की घटना है, ओ ब्लॉक के अंदर। सुबह फजर का टाइम था, वो नमाज पढ़ने आया, उस वक्त किसी ने बदमाश ने गोली मारी मस्जिद के सामने। बाकी सर बताया जा रहा है ये भाजपा के कार्यकर्ता थे? हाँ, ये भाजपा के कार्यकर्ता थे, अच्छे आरटीआई एक्टिविस्ट थे। काफ़ी मुद्दों पर इन्होंने, सामाजिक मुद्दों पर अपनी आवाज़ें उठाई हैं और कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं सामाजिक, तो ख़ास तौर से प्रदूषण के खिलाफ और दुनिया भर की जो चीज़ें थी उन पर ही अक्सर आवाज़ अपनी उठाया करते थे। तो एनजीटी वगैरह में इस तरह के इनके केसेस चलते रहते थे। कानून व्यवस्था किस तरह से देखते हैं सुंदर नगरी की, क्या कानून व्यवस्था है? कुछ दिनों से कानून व्यवस्था सुंदर नगरी की काफ़ी चरमराई हुई है, और अभी हाल फिलहाल में अभी परसों ही एक मर्डर हुआ और अब फिर एक मर्डर हो गया और एक बच्चे की हालत नाजुक हुई, तो यहाँ की कानून व्यवस्था काफ़ी चरमराई हुई है। टोटल आज का जी बात कर रहे हैं कुरैशी साहब के साथ, उनके बेटे को भी बताया जा रहा है कि चाकू लगे हैं। हाँ, उनके बेटे की हालत भी नाजुक बताई जा रही है, वो स्वामी दयानंद हॉस्पिटल में है अभी फिलहाल। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक जुल्फिकार कुरैशी सोमवार सुबह नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जा रहे थे कि इसी दौरान रास्ते में अज्ञात बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। उन्हें गोली मार दी गई। जब तक उनको अस्पताल पहुंचाया गया तब तक उनकी मौत हो गई थी। दिल्ली पुलिस ने जुल्फिकार कुरैशी के बेटे को स्वामी दयानंद अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। हाँ सर, आज सुबह नगरी में एक वारदात हुई थी, क्या था पूरा मामला बताइए। ये सुबह 7 बजे की घटना है, नंदनगरी थाने के सुंदर नगरी का ये वाकया है। इसमें एक व्यक्ति को गनशॉट इंजुरी है और उसके बेटे को कुछ शार्प इंजुरीज हैं। इस पूरे मामले में आपसी रंजिश का मामला निकल के आ रहा है। इसमें हमें कुछ लोगों के नाम मिल गए हैं, हमने इसमें 302 का और 307 का केस FIR रजिस्टर कर लिया है और इनके लिए हमने टीम गठित कर दी। हम जल्दी इस केस को वर्कआउट कर लेंगे। हाँ सर, मृतक के किस रूप में पहचाना गया? मृतक का नाम जुल्फिकार कुरैशी है और इसका बेटा है जाबाज कुरैशी। हाँ, मृतक की क्या प्रोफाइल है सर? मृतक का अपना पहले स्क्रैप डीलिंग का काम था और कुछ केसेस भी इस पर रजिस्टर्ड हैं। इसका बेटा है जाबाज कुरैशी, इस पर भी कुछ केसेस रजिस्टर्ड हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, साथ ही मामले की जांच की जा रही है। घटना मस्जिद के पास की ही बताई जा रही है, लिहाजा पुलिस की एक टीम परिजनों से पूछताछ करके बदमाशों की तलाश में जुटी है। वहीं जुल्फिकार के निधन पर बीजेपी नेताओं ने भी दुख व्यक्त किया है। दिल्ली से इशरार अहमद के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप।